नमस्कार। जियां कि तुस जानदे हो कि साड़ी डुग्गर भूमि बरते त्यौहारें दा देश है। इत्थें तरह तरह के त्यौहार, कई किस्में दे त्यौहार बड़ी श्रद्धा कन्नै मनाए जंदे न। ते अज भी तुस रामबन जिले दे बटोत नां दे थाह्र च, मानसर बटोत च शिव मंदिर दे कोल अस आए दे आं, जित्थे तुस दिक्खा दे हो कि बच्छ दुआ दा त्यौहार मनाने आस्तै म्हल्ले दे जनानियां इत्थे आई दियां न। ते आओ दिखचै कि इस त्यौहार गी ओह् पैह्ले नंबर कि'यां मना दे न, दुआ कि'यां मनाई जा'रदी ऐ, एह् सारी समग्री इत्थै बनका दियां न। ते एह् दिक्खो आटे दियां किन्नियां कृतियां इत्थै बना दियां गेदियां न, निक्के निक्के गवां, बच्छू, कट्टू ते और जट जटनी, ये तुस दिक्खा दे हो किन्ने किस्म दियां चीजां इत्थै रखियां गेदियां, कई किस्म दे अनाज इत्थै रखे गेदे न, जिसी डोगरी च बिल्ड आखदे न। ते एह् और समग्री रुट पकवान बगैरा जेह्ड़े अज्ज बरतोने न इत्थै, फल समग्री सारी, द्रुब्बां बगैरा सारियां इत्थै किट्ठियां कीतियां गेदियां। पर इत्थै फल चढ़ाए दे न, सनाओ केह् फल चढ़ाए दे न ते किन्ने किस्में दे फल तुसें चढ़ाए दे न इत्थै? तेरा किस्म दे फल ते तेरा रुट और बगैरा जेह्ड़े कोई गौ, ओह्दा छोटा बच्चा, बच्छू, जट, जटनी, जिंदे जिंदे उप्पर एह् मतलब कथा है ते जिंदे दा बर्त तां मनाया जंदा। अच्छा, एह् कलाकृतियां सारियां जेह्ड़ियां बनी दियां, एह् सारियां उ'नें चीजें दी बनी दियां ते एह् जियां तुस दिक्खा दे ओ 13 किस्में दा फल इत्थै चढ़ाए जा रदे न। ते 13 किस्में दे फल ते होर 13। अच्छा, रुट भी जेह्ड़े तुस दिक्खा दे ओ, रुट भी 13 रुट चढ़ने न, इसदा मतलब 13 नंबर दा कोई इस बर्ते च खास महत्व मन्नेया जांदा है। ते हर इक चीज लगभग 13-13 चाढ़ने दी कोशिश कीती जांदी है, रुपये भी जियां 13 चाढ़े जांगन न। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮਾਨਸਰ ਬਟੋਤ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮਾਨਸਰ ਦਾ ਭਵਯ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਾਕਾ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰਦੀ ਹੈ। इत्थै सारी समग्री बड़े विधिवत तरीके कन्नै सजाई गेदी है। नहीं मैं रखनी होंदी ढोल तपड़ा गाए ढोल तपड़ा गाए बखरा इत्थै इसलै 13 परिक्रमा कीतियां जा रदियां न। मैं पहले भी सनाया कि 13 दा इस वर्त विच बड़ा महत्व है, 13 फल, 13 रुट, जो भी चीज 13, ते परिक्रमा भी 13 गै कीतियां जा रदियां न। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ
ਇਹ ਮਾਨਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक बार फिर देखो गे कि 13 बार फिर शुरू की जाती है कारवाई। एक बार फिर देखो बड़ी सारी उदियां रीतियां दिखियां ने ते हुण लास्ट विच सारी जनानियां किट्ठियां होई है एक थार बेही गईयां ने जिथे गौ ने गोहा कीते दा हा। आखिया जांदा कि उस स्थान उपर गै बेहियै कथा वाचन ते श्रवण किया जाता है। ते हुण आओ अस जानचै कि यह वर्त बछदुआ दा की मनाया जाता है ते इत्थे कथा वाचन भी होना जिहदे राहीं असीं पूरा पता लगी जाग कि यह कथा के है इसकी ते की मनाया जाता है ते असीं आने वाली पीढ़ियां भी पता चले कि की मनाया जाता है। सत युग दे विच इक परिवार हा, सस नूं दोए रोंदियां हियां ते इक दिन उन्हें एकादशी का व्रत रखे दा हा। दुए दिन द्वादशी आई ते उन्हें अपनी नूंह गी आखिया कि भाई तू जिहड़ा है व्रत मेरे आंदे गी एक मच्छी टंगी दी उपर मच्छ ते ओह बनाई ओड़िया ते उसी पता नहीं चलिया। उन्हें सुनिया कि माँ ने बोलिया कि बच्छा बनाना है ते उन्हें लेइया ओहदे खोलिए बच्छा ते ओहदे आंदे गी बनाई ओड़िया। ते जिस वेला सस घर आई उन्हें दिखिया कि भाई घर आई जिसलै ते उन्हें दिखिया कि बच्छा जेड़ा है उत्थे बन्ने दा नहीं हा ते उस आखिया कि तू मच्छ जेड़ा है वह उपर टंगे दा हा ते उस आखिया कि तू बनाई ओड़िया अहें हाँ तुसें आखिया हा कि भाई मच्छा बनाई ओड़िया ते मैं बनाई ओड़िया। उस आखिया तू तो बड़ा अपराध किया मैं तुगी मच्छा आस्ते आखिया हा ते हुण केह करना। ते उसने केह कीता कि इस अपराध की करने वास्ते उसने आखिया कि बच्छ दवाई मैं तेरा अपराध जेड़ा है क्षमा करनी सारी चीज़ा कट्ठिया कीतियां पकवान बनाए ते सारी चीज़ा कट्ठा करी उस आखिया तां तक मैं किश नहीं खाना जहाँ तक जेड़ा मैं व्रत रखना पूरा ते जहाँ तक ये जिंदा नहीं हो। ते उसने फिर सारिया चीज़ा कट्ठे करिया ते उस पकवान बनाए कट्ठे करिया पूजन किया उहदा पूजन करिया उहदा जिहड़ा 12 साल का बच्चा बाहर गया हा वो जिहड़ा है वह वापस आया और गो जिहड़ी ही रमांदी जिहड़ी है वह भी घर आई। ते इसका मतलब ये होया कि भाई जिहड़ी बछ दुआ है ये बच्छ दुआ जेड़ी है ये अस इस गल्ला मनाने हैं कि सुख संपत्ति आस्तै और बच्चे की समृद्धि आस्तै परिवार की समृद्धि आस्तै और आजू जेड़ी है सारे लंबी आयु पान आजू जेड़ी है उसकी लंबी होए ते इस वास्ते पूरी परिवार जेड़ा सुख खुशहाली आवे परिवार खुशहाली आवे परिवार विच ते इस गल्ला असीं त्यौहार मनाने हैं। जी ये जी है बच्छ दुआ जी है ये सत युग विच बोड़ी ते अस भी दुआ करने हैं कि जियां सत युग विच सारे ही सुख संपत्ति आई और परिवार च जेड़ा शांति आई ते इस कल युग विच भी इयां गै सारे जेड़ा बोड़ा है सत युग विच भी बोड़ा है और सारे सुख संपत्ति। हाँ जी ये असें हुण सुनी बच्छ दुआ की कथा भी सुनी ते जेदे च असें सारा पता चली गया कि व्रत की मनाया जांदा है
इसकी महत्ता केह है ते ये सब की दिक्खियै असें अपने रीति रिवाजें कन्नै जुड़े दा रौह्ना चाहिदा ते सारे दी सुख समृद्धि दी मंगल कामना करदे होई अस अज्ज दा वीडियो बंद कराने आ ते वीडियो लेइयै मैं तुंदे सामने आया हा सुनील शर्मा। Yeah.